जरा जितेंद्र दवे स्पिन टीवी के आपके अपने शो वास्तु टिप्स में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको एक विशेष उपाय यानी कि वास्तु टिप देने जा रहा हूँ, जिससे आपके व्यवसाय में निरंतर बरकत और समृद्धि प्राप्त होती रहेगी। जब भी आप आपकी दुकान, ऑफिस या फैक्ट्री ओपन करते हैं यानी कि शटर ओपन करते हैं और जब भी अंदर कदम रखते हैं, तो आपके इष्ट देव या कुल देवी माता जी का स्मरण अवश्य करके अंदर एंटर करें। हमारे हिंदू शास्त्र और वास्तु शास्त्र में भी इष्ट देव या कुल देवी का बड़ा महत्व बताया गया है। तो जब भी आप एंटर करते हैं अपने बिजनेस प्रीमाइसेस में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, तब कुल देवी माता या इष्ट देव का स्मरण अवश्य करें। जैसे कि हमारे शास्त्र में ये भी बताया कि हम माता और पिता का स्मरण या आशीर्वाद लेके ही कोई भी कार्य शुरू करते हैं, वैसे ही पृथ्वी पे इष्ट देव और कुल देवी यानी उन्हें भी पिता और माता का ही सम्मान दिया गया है। इष्ट देव और कुल देवी का स्मरण करने से उनकी विशेष कृपा आप पे निरंतर बनी रहती है और एक कनेक्टिविटी आपके साथ हमेशा रहती है। और एक बात दर्शकों और एक ध्यान से सुने कि अगर आपके पास इनकी छवि या फोटो फ्रेम है तो उनको नॉर्थ ईस्ट यानी कि आपका जो बिजनेस प्रीमाइसेस है, ऑफिस है, वहां के नॉर्थ ईस्ट में आप उनको स्थापित कर सकते हैं, यानी पहले कुल देवी जी का और ठीक उससे थोड़ा राइट में आप इष्ट देव की छवि वहां पे रख सकते हैं और उन्हें आप दिया और अगरबत्ती सुबह और शाम दिखा सकते हैं। और नैवेद्य में कोई भी ऋतु फल या कोई भी जैसे कि बर्फी है, पेड़ा है, वो अर्पण कर सकते हैं। आप देखेंगे 21 दिनों के अंदर आपको निरंतर ऐसे लगेगा कि आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है और आप समृद्धि को और प्राप्त करते जाएंगे। जिनको अगर अपने इष्ट देव या कुल देवी का स्मरण नहीं है तो आप भगवान नारायण जो इस जगत के पितामह है या माता लक्ष्मी, उनका भी स्मरण कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप भगवान शिवा और माँ भगवती जो इस पृथ्वी के माता पिता माने जाते हैं, आप उनका भी स्मरण या उनकी भी छवि वहां पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप ध्यान करें दर्शकों और इष्ट देव या कुल देवी माँ का अवश्य स्मरण करें और आप उनके डेफिनेटली कनेक्टिविटी में हमेशा रहेंगे और उनकी ब्लेसिंग्स आपको निरंतर मिलती रहेगी।